नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनमंच आयोजित। जनमंच में 1056 शिकायतें हुई प्राप्त, अधिकांश मामलों का मौके पर किया निपटारा। किसान संघर्ष समिति ने प्रदेश में खाद की कमी को दूर करने के लिए सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग। राजधानी शिमला के बाजारों में तहबजारियों का कब्जा, व्यापार मंडल के विरोध के बाद शिमला नगर निगम ने की कार्रवाई। प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम के तहत पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रोहड़ स्थित राजकीय महाविद्यालय सीमा में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकतर समस्याओं का मौके पर किया निपटारा। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। जिला शिमला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते सीमा में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। जनमंच में 111 शिकायतें और मांगे सामने आई, जिसमें से 60% समस्याओं व मांगों का मौके पर ही समाधान किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम में बेहद सी समस्याएं व मांगे सामने आई, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। जिला शिमला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते सीमा में रविवार को जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। जनमंच के दौरान क्षेत्र की जनता ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान जनमंच में 111 शिकायतें और मांगे सामने आई, जिनमें से 60% समस्याओं व मांगों का मौके पर ही समाधान किया गया। आज जनमंच का आयोजन किया गया और करीब प्री जनमंच में हमारी करीब 111 के करीब ऐसी बहुत सारी डिमांड्स आई थी। मुझे लगता है कि शिकायतें जो थी वो जिसके लिए जनमंच का आयोजन किया गया वो बहुत कम थी, लेकिन अधिकतर जो थी वो डिमांड्स थी। जनमंच आम आदमी की सुनवाई के लिए कि केंद्र की सरकार के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा ऐसी चलाई जा रही बहुत सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो गरीब तक या पायदान अंतिम पायदान तक जो है वो पहुंची या नहीं पहुंची, उस बात को भी हमारे अधिकारीगण देखते हैं। एक महीने के बाद इसको रिव्यू करेंगे और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इन जनमंच में जो भी शिकायतें आती हैं उनको रिव्यू करते हैं और उनका समाधान जो है वो जनता को देते हैं। ऐसे अनेकों काम चाहे हमारी सरकार ने शुरू किया है, आज हमारी सरकार के द्वारा जहां बीपीएल परिवारों के कि वो गरीबी रेखा से नीचे ही ना रहे, वो गरीबी रेखा से कैसे ऊपर उठे, इस बात के लिए जो है वो हमारे यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं कृषि विभाग की तरफ से भी हम इन इन फसलों के लिए हम किसानों को जो प्रेरित कर रहे हैं। अब मैं खाली देख रहा था कि खाली लाल चावल से हमें इतनी कमाई हो सकती है, राजमा से इतनी कमाई हो सकती है कि मुझे लगता है कि इतनी कमाई सेब में नहीं होगी। तो ये इस इन फसलों को भी हमें जो है वो प्रमोट करना है ताकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है वो और मजबूत कर सके। मीडिया से बात करते हुए पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम में बेहद सी समस्याएं व मांगे सामने आई हैं, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कोरोना के बाद ये पहली बार जो है जनमंच का आयोजन हुआ है, लोगों में बहुत उत्साह था। जनमंच जिसका आयोजन यहाँ पर हुआ और 111 से ज्यादा शिकायतें और मांगे जो हैं वो प्री जनमंच में आई और यहाँ पर मौके के ऊपर भी 6-7 जो है वो शिकायतें यहाँ पर मिली हैं।
जिसका उसको हमने मौके के ऊपर सुना भी और 60% से ऊपर मौके के ऊपर ही जो है उसका समाधान भी किया है। और बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है वो चलाई जा रही है, उनको लाभार्थियों को जो है वो मौके के ऊपर उनके लाभ भी पहुँचाने यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किया गया है। और साथ में मैंने अधिकारियों से कहा है कि वो ढील मूल रवैया ना अपनाते, इसको गंभीरता से ले, अन्यथा ना ले, और एक सेवा भावना के साथ जो हमें समय मिला है जीवन में काम करने का, उस काम को जो है वो करें ताकि अपने क्षेत्र, देश और समाज की जो है वो सेवा हो सके। राजधानी शिमला के नगर निगम स्थित राजधानी शिमला के निगम विहार स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला शिमला की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विभिन्न सुझावों व पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी JCC की बैठक पर भी विशेष चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए NPS कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष खुशाल शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद और विश्वास है कि सरकार आगामी JCC की बैठक में कर्मचारियों के हित में कई कदम उठाएगी और विशेष रूप से पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। राजधानी शिमला में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला शिमला की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न खंडों के अध्यक्षों व कार्यकारी सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान बैठक में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विभिन्न सुझावों व पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी JCC की बैठक पर भी विशेष गहन चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए NPS कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कुशाल शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद और विश्वास है कि सरकार आगामी आयोजित होने वाली JCC की बैठक में कर्मचारियों के हित में कई कदम उठाएगी और विशेष रूप से पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल किया जाता है तो 28 नवंबर को महासंघ मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह आयोजित करेगा, और अगर सरकार ये फैसला नहीं लेती है तो आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में संघ द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा जाएगा। आज जो ये हमारी बैठक चल रही है, ये इसी तरह की बैठक हमारी हिमाचल प्रदेश के हर जिलों में, हर खंडों में चल रही थी, और आज इस बैठक में हमारे जो विभिन्न जिलों के विभिन्न खंडों के जितने भी अध्यक्ष थे और उनकी कार्यकारिणी थे, वो लोग यहाँ पर बुलाए गए थे ताकि हम उनसे सुझाव ले सके, क्योंकि आगामी जो JCC की बैठक होने जा रही है, उस JCC बैठक में जो 27 तारीख को प्रस्तावित है, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो ये हमारी पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा है, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से चला है, 2015 से हम कंटिन्यू लगातार प्रयासरत हैं, और हम कई मरतबा इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से मिले, मंत्रियों से मिले, विधायकों से हमने कंसर्न नोट लिए, उनसे मिले, और ये 25 जुलाई 2017 को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ सचिवालय के बाहर हुआ, तपोवन के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ शीतकालीन सत्र के दौरान, और उसके पश्चात विधानसभा के बाहर भी हमारा पिछली 14 फरवरी 2019 को हुआ था, और सांसदों के घर में उपवास कार्यक्रम हुए। तो हमने जब इस बात को रखा तो जितने भी हमारे MLAs थे और जो विधायक थे, सबने यही कहा, या MPs थे, उन्होंने कहा भाई आपकी जो बात है वो जेन्युइन है, आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और अफसोस की बात है, इतना समय हो गया, इवन की जो भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट्री था तत्कालीन, उस वक्त उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो हम पेंशन है इसको लेकर के कमेटी का गठन करेंगे, लेकिन अभी तक कहीं भी नहीं हुआ। और पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दे पर तपोवन में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कबूला था कि हम जो कमेटी का गठन करेंगे, लेकिन अभी तक जो है ये कहीं नहीं दिखा। अब 27 तारीख को बैठक हो रही है सरकार की, बहुत लंबे समय के पश्चात, और जब ये बड़े लंबे समय के पश्चात बैठक हो रही है तो ये हमारा स्वाभाविक है कि इसमें कुछ ना कुछ कर्मचारियों को सरकार करे। 27 को जो बैठक रखी है, 27 की बैठक में जो हमारे अश्विनी ठाकुर जी हैं उनकी अध्यक्षता में होगी, और कर्मचारी महासंघ के उनको अध्यक्ष बनाया गया है, हम उनमें भी पूर्ण विश्वास रखते हैं, काफ़ी संवेदनशील व्यक्तित्व है उनका,
और काफ़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे को अश्विनी ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास है। जयराम ठाकुर जी ने कुछ फैसले कर्मचारियों के हितों में लिए, उसे लग रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो ज़रूर जो है 27 तारीख को पुरानी पेंशन की बाली को लेकर के एक बहुत बड़ा इसमें फैसला सुनाने वाले हैं, जिससे कि हिमाचल प्रदेश के 130,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। तो 28 नवंबर को हमारी कांगड़ा में राज्य स्तरीय बैठक होगी, उसमें हमारा विचार मंथन होगा। और विचार मंथन होगा, अगर सरकार 27 को पुरानी पेंशन बहाल करती है तो उसके 28 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री जी को समान कार्यक्रम के लिए हम योजना तैयार करेंगे। और अगर 27 तारीख को सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो 28 तारीख में जो भी सामने आएगा, उम्मीद यही जताई जा रही है कि 14 से 15 तारीख तक दिसंबर में जो शीतकालीन सत्र धर्मशाला के अंदर होगा, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, सरकार भी सोचते रह जाएगी कि रैली हुई कैसे। जिला शिमला के रामपुर उपमंडल की नवगठित फुंजा पंचायत में पंचायत भवन निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पंचायत में गुटबाजी के चलते ग्राम सभा में बार बार हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है और गुटबाजी के चलते पंचायत प्रस्ताव पास करना भी एक चुनौती बन गया है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के तहत नवगठित फुंजा पंचायत प्रधान और लोगों में पंचायत घर निर्माण को लेकर उपजे विवाद से ग्राम सभा हंगामे का अड्डा बन गया है। गुटबाजी के चलते ग्राम सभा में कोई भी प्रस्ताव पास करना चुनौती बन गया है। हालात यह है कि ग्राम सभा में कोरम पूरा करना भी मुश्किल हुआ है। ग्राम सभा बहुमत से जिस स्थान पर पंचायत घर निर्माण करना चाहती है, उस स्थान पर पंचायत प्रधान और उनकी टीम पंचायत घर बनाने के बिल्कुल हक में नहीं है। ग्राम सभा में उपस्थित लोगों ने उनकी बात को अनसुना करने पर कार्रवाई रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करने से मना कर दिया। लोगों ने बीते 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में प्रधान की अनुपस्थिति में पास हुए प्रस्ताव को पंचायत कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज न करने पर विरोध जताया। लोगों ने पहले पिछली कार्रवाई को दर्ज करने की मांग की, उसके बाद आगे के एजेंडे पर चर्चा करने की मांग रखी, जिस पर पंचायत प्रधान ने ग्राम सभा को कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित कर दिया। पूर्व जिला परिषद सदस्य बिहारी सेवगी ने बताया कि बीते 2 अक्टूबर की बैठक में पंचायत प्रधान बैठक बीच में छोड़कर चले गए। उसके बाद नियमानुसार पंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा ने पंचायत घर निर्माण के लिए भूमि चयनित की, लेकिन पंचायत ने उस प्रस्ताव को कार्रवाई में दर्ज नहीं किया। पंचायत प्रधान नहीं चाहते कि पंचायत घर लोग जहां चाह रहे हैं वहां बने। पहला एजेंडा था वो पिछली बैठक की जो अभी पुष्टि करनी थी, जो पिछली बैठक जो है 2 अक्टूबर को हुई, 2 अक्टूबर की बैठक में जो नवा एजेंडा था वो ये था कि जो नई बिल्डिंग बननी है ग्राम पंचायत फुंजे की, वो कहाँ बननी है। तो लोगों ने एक मेजोरिटी के साथ ये पास किया था कि खसरा नंबर 156 और 174 में जो ज़मीन है सरकारी, वहाँ पर बनाया जाए और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कार्रवाई करके सरकार को भेज दिए जाएँ इसको अप्रूवल के लिए। लेकिन उसी बैठक के दौरान जो पंचायत प्रधान है जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, जो शशि झिंटा, वो उठ के चला गई है बिना पंचायत की प्रोसीडिंग को, ग्राम सभा की प्रोसीडिंग को क्लोज किए। तब हमने फिर जो उसकी अनुपस्थिति में जो एक वार्ड मेंबर है शाह से, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग की और इसका रेजोल्यूशन पास किया और जो डेप्यूटी कमिश्नर है उनसे अनुरोध किया कि विशेष ग्राम सभा जल्दी से जल्दी आप बुलाए और 5 तारीख को हमने रजिस्ट्री लेटर उनको भेजा है। तो अभी वो हम इंतज़ार में, डीसी साहब इसमें कब डिसीजन लेते हैं। वो आज की बैठक में हमने यही कहा है कि जब तक आप पिछला बैठक में आप उठ के क्यों चले गए, जब मेजोरिटी थी और मेजोरिटी में सेक्रेटरी ने वो प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, इसी पर हमारा आज बातचीत हुई है। और फिर जो लोग आए थे, लगभग 100 से अधिक लोगों ने साइन नहीं किया प्रोसीडिंग में, अटेंडेंस में, तो जो ये स्थगित करनी पड़ी। स्थानीय पंचायत निवासी KR धीमा ने बताया कि पंचायत घर निर्माण को लेकर काफी विवाद है। पंचायत प्रधान ने पहले कहा था कि भूमि ग्रामीण चयनित करे, उसी हिसाब से लोगों ने भूमि चयन किया, लेकिन इसी बीच किसी व्यक्ति से भूमि लेकर उसको पंचायत के नाम पर करा दिया गया और प्रधान अपनी इच्छा से भवन वहां बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह का झगड़ा चलता रहा तो पंचायत में तरक्की होना संभव नहीं है और आपसी विवाद के चलते दुश्मनी और बढ़ जाएगी। ग्राम सभा 2 अक्टूबर की थी तो प्रधान जी ने बोला था, राय जगह तो बहुत है इसमें, उन्हें पता गांव वाले सिलेक्ट करके भूमि देंगे, भाई काम बननी पंचायत। हमने भूमि सिलेक्ट करके दी और हमने ये बताया कि इस पर हमारी पंचायत बनेगी। इनने क्या किया कुछ पता नहीं, कितने दिन के बाद क्या किया, अंदर खाते ने किसी जमींदार को पटा के
पांच बीसवा जमीन पंचायत के नाम से करवा दी, जबकि उससे पहले प्रधान जी ने 2 अक्टूबर जब पहली ग्राम सभा थी इन्हें 2 बीघा जमीन की डिमांड की थी। स्थानीय पंचायत निवासी नवीन ने बताया कि लोग चाहते हैं कि जहां ज्यादा जमीन है वहां पर पंचायत भवन का निर्माण हो। उन्होंने बताया कि इस तरह से अगर विवाद बढ़ता रहा तो आने वाले समय में ग्रामीणों में आपसी द्वेष बढ़ेगा, इसलिए पंचायत प्रधान को चाहिए कि वह निष्पक्षता से कार्य करे। मैं यहाँ पे ग्राम सभा पे आया था तो आज भी बहुत सारा झगड़ा हुआ, तो ये पंचायत किस तरह से जो है तरक्की करें, ये तो हमने प्रधान जी को जो है वोट दे करके जो बना लिया था, लेकिन आज जो है विडम्बना ऐसी है कि हम लोग जो है रोज लड़ झगड़ कर रहे, बाकी और तो कुछ नहीं। एक दिन जो है यहाँ पर जो है इज्म के नाम पर जो है कहीं मुझे लगता कहीं ब्लड शेड ना हो जाए, क्योंकि प्रधान जी का जो है एक मोटिव है कि भाई इज्म के नाम पर जो है इस पंचायत में जो है हमने जो है लोगों को जो है लड़ाना है, और दुखद है ये बात, बहुत दुखद है। मुझे कई बार दुख होता है जब मैं सोचता हूँ कि अगर पब्लिक का नुमाइंदा वो चाहे किसी भी कास्ट या क्रीड का हो, जब हम उसको वोट देते हैं तो हम उसको ये देख के उसकी जात या उसकी पात या उसकी क्वालिफिकेशन ये देख के नहीं देते, हम तो सिर्फ नुमाइंदे को देख के कि नुमाइंदा अच्छा है तब उसको वोट देते। वहीं पंचायत प्रधान शशि जिंटा ने बताया कि लोग एक मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा करना चाहते हैं, जब भी आते हैं इनका एक ही लक्ष्य रहता है कि ना तो काम करने देना है और ना ही विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा। उन्होंने बताया कि पंचायत घर मसले को प्रतिष्ठा से जोड़कर लोग उलझन पैदा कर रहे हैं, जबकि पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार पंचायत घर के लिए किसी व्यक्ति ने भूमि दान में दी है, खंड विकास कार्यालय ने भूमि को हस्तांतरित भी किया है, लेकिन लोग ऐसी उलझन पैदा कर पंचायत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कहां आते हैं, जब भी आते हैं पंचायत में बस इनका यही रहता है कि ना ये काम करने दे ना कुछ ही डिस्कस करने देते, सिर्फ एक मुद्दा होता है कि पंचायत भवन। ये लोग, इन लोगों की स्टेटमेंट है कि अगर पंचायत वहां बनेगी जो हरिलाल की जगह है तो हमारी प्रेस्टीज पे फर्क पड़ेगा। ये प्रेस्टीज इशू, मतलब इस चीज के लिए कैसी प्रेस्टीज, इनकी प्रेस्टीज पे कोई फर्क पड़ेगा? पंचायत बनेगी वो सब लोगों के लिए बनेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं होल लाइफ पंचायत में हूँ, मैं जस्ट 5 सालों के लिए बनी हूँ, ऑलमोस्ट मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, 4 ईयर रहते हैं, तो मेरी तो यही सोच है नई पंचायत है, छोटी सी पंचायत है कि डेवलपमेंट करूं। शिमला ग्रामीण के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बागी में 22 नवंबर को विशेष बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे जो ग्रामवासियों को पंचायत से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये जानकारी ग्राम पंचायत बागी के प्रधान नरेश ठाकुर ने मीडिया से साझा की। आज हमने जो एक निर्णय लिया है, हमारी मासिक बैठक में निर्णय लिया था कि सभी विभागों के अधिकारियों से एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाए, ताकि जो लोगों से जुड़े हमारे मुद्दे हैं उसके बारे में एक समीक्षा द्वारा जो है फीडबैक ली जाए। तो हमने जो है 22 तारीख सोमवार 11 बजे को 18 विभागों को इसमें आमंत्रित किया है, और यहाँ के युवक मंडल, महिला मंडल, संस्थाएँ, जितनी भी हमारी सोशल संस्थाएँ हैं, उन्हीं सभी पदाधिकारियों को इस बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। और इसका जो उद्देश्य रहेगा, जो विभाग द्वारा इस पंचायत, इस क्षेत्र में जो विकास किए जा रहे हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं, कि कहीं किसी तरीके का उनको कमियां आ रही है, जो लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, और जो लोगों को एक अवेयरनेस करने की कोशिश करी जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विभागों द्वारा जो स्कीम्स सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसको लोगों को सीधे तौर से फ़ायदा हो, और जागरूक हो के लोग अपने हितों के लिए पंचायत के पास भी अपना पक्ष रखें, विकास के संबंधित और बेरोजगारी के संबंधित। तो इसमें जो है हमने सभी विभागों को आमंत्रित करके एक बैठक का आयोजन का निर्णय लिया है। इसमें हमारे साथ BDC के उपाध्यक्ष हमारे रामलाल ठाकुर जी भी शामिल होंगे, तो और पंचायत के सभी प्रतिनिधि, वार्ड मेंबर, प्रधान, हर लोग इसका हिस्सा लेंगे। किसान संघर्ष समिति ने प्रदेश में खाद की कमी को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। समिति ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि तुरंत खाद की कमी को दूर करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए और खाद की कीमतों में की गई वृद्धि को भी वापस लिया जाए। किसान संघर्ष समिति के संयोजक संजीव चौहान ने कहा कि ऐसे में किसानों व बागवानों को बाजारों से महंगी खाद,
बीज, कीटनाशक, फफूंदी नाशक और अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसान की लागत कीमत में निरंतर वृद्धि हो रही है और बाजार में किसान को उचित दाम न मिलने से कृषि व बागवानी का संकट और अधिक बढ़ गया है। किसान संघर्ष समिति ये जो प्रदेश के अंदर खाद की कमी चल रही है इसको लेकर जो है चिंता जाहिर करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तुरंत जो है किसानों को खाद जो है उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि प्रदेश का किसान आज जो है गेहूं की बुआई और इसके अतिरिक्त जो सेब है, आलू है, उसके लिए जो है वो आगामी सीजन के लिए जो है वो तैयारी करता है। और आज पूरे प्रदेश के अंदर जो है खाद की बड़ी किल्लत चल रही है और विशेष रूप में जो इफको की खाद है, जो एनपीके जिसमें 12-32-16 और 15-15-15 है, वो कहीं भी प्रदेश के किसी भी डिपो के अंदर जो है उपलब्ध नहीं। अगर कहीं छोटी मोटी मात्रा में जो है सरकार उपलब्ध करवाती तो वो जो है मात्र जो है 10-20 किसानों तक जो है पहुंच रही है। इसलिए सरकार जो है तुरंत खाद जो है उपलब्ध करवाए ताकि किसानों की जो है वो बिजाई और जो किसानों को सेब व अन्य फलों व सब्जियों में जो है उनको कार्य करना है इस खाद को लेकर, वो जो है वो ना रुके। इसके साथ साथ ही अभी हाल ही में जो है वो खाद की कीमतों में जो है बढ़ोतरी की गई है, उसको जो है तुरंत वापस लिया जाए। और किसान संघर्ष समिति का मानना यह है कि ये जो खाद की किल्लत जो प्रदेश में हुई है या देश के अंदर हुई है, ये सरकार जो है निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए जो है वो कार्य कर रही है और इससे जो है सरकारी विभाग के तहत जो है वो जो खाद मिलती थी वो मिल नहीं रही है, जो किसानों को जो है बाजार से जो है बहुत अधिक कीमत पर जो है खादें खरीदने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो सरकार खादों पर सब्सिडी बढ़ाए, खादों की कीमतें कम करे और कृषि और बागवानी विभाग से जो है किसानों को तुरंत जो है खाद उपलब्ध करवाए। राजधानी शिमला के बाजारों में तहबाजारियों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय दुकानदारों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। व्यापार मंडल शिमला की शिकायत पर रविवार को नगर निगम शिमला की टीम ने शहर का निरीक्षण किया व अन्य राज्यों से आए तहबाजारियों को हिदायत दी कि वे अपना सामान बाजार में ना लगाएं। गौरतलब है कि शहर में 1065 तहबाजारी पंजीकृत हैं, जिसमें से 715 रेहड़ी फड़ी वालों को वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन बाजारों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से तहबाजारी रुक कर रहे हैं, जिससे व्यापारी वर्ग चिंता में है। राजधानी शिमला के बाजारों में तहबाजारियों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को चलने की जगह भी नहीं मिल पा रही है और इसी के साथ ही स्थानीय दुकानदारों पर भी इसका असर पड़ रहा है। व्यापार मंडल शिमला की शिकायत पर रविवार को नगर निगम शिमला की टीम ने शहर का निरीक्षण किया व अन्य राज्यों से आए तहबाजारियों को हिदायत दी कि वे अपना सामान बाजार में ना लगाएं। गौरतलब है कि शहर में 1065 तहबाजारी पंजीकृत हैं, जिसमें से 715 रेहड़ी फड़ी वालों को वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन बाजारों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से तहबाजारी रुक कर रहे हैं, जिससे शहर के लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिससे व्यापारी वर्ग चिंतित है। मीडिया से बात करते हुए नगर निगम कर्मचारी ने निगम की कार्रवाई के विषय में जानकारी दी। कार्रवाई इनफैक्ट हमारा वैसे तो रूटीन वर्क है, ये तो कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा वो रहता है, पर कुछ एक लोग यहाँ आइडेंटिफाइड जो वेंडर्स हैं और उसके अलावा संडे को क्या होता है कि यहाँ आउटसाइडर्स आते हैं बहुत ज़्यादा, और वो यहाँ पे जो हमारा शिमला का व्यापार मंडल है उनकी भी एक कंप्लेंट थी कि यहाँ पे संडे मार्केट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई चंडीगढ़, कोई लुधियाना, कोई दिल्ली, कोई वो बड़े भारी माल लेके यहाँ पहुँचते हैं, तो हमारे को ये सूचना मिली थी कि संडे को यहाँ लगाया जाता है, तो इसलिए हम उसकी यहाँ पे ज़्यादा ना बढ़े ये चीज़, तो इसलिए आज हमने स्पेशली एक कैंपेन छेड़ा है और अभी हम इनको आगाह कर रहे हैं और अभी अगर दोबारा बैठेंगे तो उसके बाद हम गाड़ी में इनको सामान जब्त कर लेंगे। देखो आपको पहले ही मालूम होगा कि पिछली बार भी जब इन्होंने बाहर सामान लगाने का काम शुरू किया था तो उस टाइम भी इसमें कुछ जो है कुछ एक लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की थी और फिर वो माननीय कोर्ट हाई कोर्ट ने भी उसमें संज्ञान लिया था। और अब जो है हमने ये देखा है कि मार्केट में अगर जब आते हैं तो ज़्यादातर लोग मैक्सिमम जो दुकानदार है वो अपना सामान अंदर लगाया होता है, वो थोड़ा सा कहीं बाहर निकाला होता है तो उनको बोल के वो अपने आप अंदर कर लेते हैं। ये प्रोसेस में है अभी चला हुआ, जितने भी वेंडर्स हैं उनको सेटल करने के लिए प्रोसेस चला हुआ है कि इनके लिए कहीं ना कहीं स्थान का चयन किया जा रहा है जहाँ पर इनको
बाद में रिहैबिलिटेट किया जाएगा। वहीं व्यापार मंडल शिमला के प्रधान संजीव ठाकुर ने कहा कि व्यापारी वर्ग को पंजीकृत तहबाजारी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों से आ रहे तहबाजारी उनके व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आए तहबाजारियों को हिदायत दे दी गई है और अगर अब भी वे नहीं मानते हैं तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखो, हमने एक जनरल हाउस किया था और उसमें सब व्यापारियों को बुलाया गया था। उसमें सब व्यापारियों की एक आवाज़ थी कि संडे की मार्केट जो है वो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो दिल्ली से है, चाहे चंडीगढ़ से है, या बाजार से बाहर के लोग, और पूरे बाजार में जो एक रश पड़ता है और जितना भी काम दुकानदार करता है वो सफ़र करता है और सारा जो माल है वो सस्ते में बाहर बेच करके वो चले जाते हैं। इससे जो है स्थानीय दुकानदार को ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वो दुकानदार जो है परेशान है। उसी वजह से जो है वो संडे को दुकान भी नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी वजह से उनको जो है अपनी दुकान खोलनी पड़ती है। देखो, जो बाहर से बेचने आ रहा है हमारा कोई वो नहीं है, जो पक्के टैब जारी है और जितना कार्ड बना है उसके लिए हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर से आते हैं और एक दिन में माल बेच के चले जाते हैं उसमें दुकानदार का ही नुकसान है, किसी दूसरे का नहीं है। बिल्कुल, अभी तो हमने आग्रह किया है लेकिन अभी हम वार्निंग दे रहे हैं एक बार, नहीं तो अगर कॉरपोरेशन इसमें कुछ करेगी तो दुकानदार जो है स्थानीय दुकानदार मिल करके जो है पूरा काम करेंगे कि जिसकी दुकान के आगे कोई बंदा बैठा है उसको उठाने का हम खुद काम करेंगे, कोई दूसरा उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये हमारी डिमांड यही है कि बाजार के अंदर जो है वो तहबदारी वाले बैठें, लेकिन वो बैठे कार्ड वाले, और वो कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी है उनको कहाँ बिठाना है कहाँ नहीं बिठाना है, वो कॉरपोरेशन देखे उनको कहाँ बिठाना है। अब किसी दुकान के आगे और बाजार के अंदर अगर बिठाना है तो कॉरपोरेशन ने देखना है कि उनको कहाँ बिठाना है। बिल्कुल, हमने जो है बार बार हम कमीशन साहब से मिल रहे हैं और कॉरपोरेशन में ये बार बार मांग रखते हैं कि जितनी जल्दी हो जो कम से कम पक्के तहबदारी जो 1986 से बैठे थे अभी तक वो नहीं बिछाए गए हैं, तो बाकी जो तहबदारी बैठ रहे हैं उनको बिछाने का पता नहीं कब तक कॉरपोरेशन काम करेगी और दुकानदार इससे सफर हो रहा है। शिमला के हिमलैंड में सड़क हादसा पेश आया है। यहां एक निजी कार अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर उतर गई। हादसे के दौरान कार में 3 लोग सवार थे जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हादसे में पति पत्नी और बच्चा घायल हुआ है। दोपहर 2 बजे के आसपास पेश आए इस हादसे के बाद स्थानीय होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जाँच शुरू कर दी है। कार मुख्य मार्ग से अनियंत्रित होकर होटल हिमलैंड की पार्किंग में जा गिरी। हादसे में गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ करीब 2 बजे के आसपास तक। मैं अपने काम से छोटा शिमला की साइड जा रहा था तो ये भाई साहब थे गाड़ी में, ये सामने से आए और शायद ओवर स्पीड में थे और गाड़ी से कंट्रोल से बाहर हो गई। कितने लोग थे गाड़ी में? करीब 3 लोग सवार थे, एक लेडी एक जेंट्स और एक बच्चा। तो सारे सेफ है? जी बिल्कुल सर। 2:15 का टाइम भी हो सकता है सर, 2 बजे के आसपास का टाइम। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 3 लोग थे, एक हस्बैंड वाइफ और उनका छोटा बच्चा। हिमाचल प्रदेश राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य के शिक्षा निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए 60% से ज्यादा दिव्यांगता वाले दृष्टि बाधित एवं बधिर व्यक्तियों के स्कूल लेक्चरर बनने पर रोक लगा दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में एक फैसले में कहा था कि दृष्टि बाधित और बधिर व्यक्तियों के जज बनने में भी विकलांगता बाधा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा निदेशक ने एक तुगलकी फरमान जारी करके 60% से ज्यादा विकलांगता वाले दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित यानी बधिर लोगों के स्कूल लेक्चरर बनने पर रोक लगा दी है। यह उनका फरमान बिल्कुल गैरकानूनी और किसी भी नियम कानून का पालन नहीं करता है। अभी हाल ही में कुछ पोस्ट्स यहाँ पर निकाली गई स्कूल लेक्चरर की, जिसमें कहा गया है कि वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जो 60% से ज्यादा ब्लाइंडनेस वाले हैं या डेफनेस वाले हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष फरवरी में एक फैसले में कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें जज की पोस्ट पर भी दिव्यांग लोग, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हो, 40% से 100% तक की श्रेणी के, वो लोग जज बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनको इस प्रकार के सहायक यंत्र उपकरण और वातावरण दिया जाना चाहिए ताकि उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग हो सके। कई विश्वविद्यालयों में टीचर्स, प्रोफेसर्स इंडियन सिविल सर्विस में, इंडियन फॉरेन सर्विस में, बैंक्स में 100% विकलांगता वाले, ब्लाइंडनेस वाले और डेफनेस वाले लोग उच्च पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश
के शिक्षा विभाग का मानसिक दिवालियापन है कि 60% से अधिक ब्लाइंडनेस और डेफनेस वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने इस मामले को राज्य विकलांगता आयुक्त के सामने उठाया है, उनको कहा है कि हमें यानी उमंग फाउंडेशन को इस पर सख्त इतराज है, यदि इस पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की गई और दोषियों के खिलाफ जांच करा करके कोई उनको उनको सेंश्योर नहीं किया गया तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हिमाचल परिवहन परिचालक संगठन की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को बिलासपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण चंद ने की। बैठक में परिचालकों की मांगों व समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, साथ ही 30% कोटे की मांग को लेकर भी आवाज बुलंद की गई। कृष्ण चंद ने बताया कि 30% कोटे की मांग को कई बार प्रदेश सरकार व HRTC प्रबंधन के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। हिमाचल परिवहन परिचालक संगठन की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को बिलासपुर में संपन्न हुई। जिला परिषद हॉल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण चंद ने की। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के 27 डिपोओं में से 22 डिपोओं में यूनियन के कार्यकारिणी गठित की जा चुकी है, उसमें से 16 डिपोओं के प्रधानों व सचिव बैठक में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि बैठक में परिचालकों की मांगों व समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, साथ ही 30% कोटे की मांग को लेकर भी आवाज बुलंद की गई। कृष्ण चंद ने बताया कि 30% कोटे की मांग को कई बार प्रदेश सरकार व HRTC प्रबंधन के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार व प्रबंधन द्वारा इस मांग को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया तो संगठन द्वारा आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा उठाए जाने वाले कड़े कदम की सारी जिम्मेवारी सरकार व प्रबंधन की होगी। काल जो है दे करके कनेक्टर का कनेक्टर ही सेवानिवृत्त हो गया है, अगर 30% कोटा नहीं गया होता तो हमारा कनेक्टर भाई जो है एक पदोन्नति के साथ मान सम्मान के साथ जो है सेवानिवृत्त होता। आज इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी कि ये जो 30% कोटा जो है हमारे से छीना गया है, क्या इसकी भरपाई हमने करनी है या नहीं करनी है, इसी के लिए हमने आज मीटिंग बुलाई है और यही हमारा जो है मुख्य एजेंडा है। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम जैसे ही 16/11/2021 को कंडक्टर यूनियन की महासंघ में एंट्री हुई और माननीय श्री अश्वनी ठाकुर जी ने हमारी एक बैठक जो है प्रधान सचिव के साथ करवाई, उसमें हमने 3 झंडे रखे हुए थे। सबसे पहला झंडा था हमारा कि जो 1300 TMPA अनुबंध परिचालक 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें जल्दी से जल्दी जो है नियमित किया जाए, और 565 परिचालक जो चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा ली गई थी उनको भी निगम के बेड़े में जल्दी से जल्दी जो है डाला जाए ताकि निगम में चल रही परिचालकों की कमी को जो है दूर किया जाए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीटू द्वारा 26 नवंबर को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दौरान प्रदेश भर में हजारों मजदूरों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने देश के किसानों को किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को खत्म करने की लड़ाई को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के 1 साल के लंबे संघर्ष के कारण ही केंद्र की मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा व 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को केंद्र की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के लिए लूट के अवसर में तब्दील कर दिया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश CITU 26 नवंबर को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी, और सबसे पहले CITU ने किसानों को बधाई दी है कि जो एक लंबा संघर्ष 1 साल का उन्होंने लड़ा
और अंततः इस सरकार को झुकना पड़ा और इन काले कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा करनी पड़ी। उसी तर्ज पर हमारी ये मांग है कि जो मजदूरों के खिलाफ चार लेबर कोड बनाए गए हैं इनको भी तुरंत निरस्त किया जाए। पूरे देश के अंदर कोरोना काल में लगभग 15 करोड़ मजदूरों की नौकरियां चली गई, उनको कुछ राहत देने के बजाय इस सरकार ने चार लेबर कोड बना दिए जो पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ थे और मालिकों के पक्ष में थे। इसीलिए एक लंबी लड़ाई जो है मजदूर पिछले कुछ सालों से लड़ रहे हैं और कोरोना काल में भी ये संघर्ष तेज हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार ने चार लेबर कोडों को निरस्त ना किया, जो बेरोजगार मजदूर हैं उनके रोजगार की व्यवस्था ना की, जिनका वेतन काटा गया है उनके वेतन को दुरुस्त ना किया गया और इसके साथ साथ आने वाले समय में मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा ना की गई, तो बजट सत्र जो 2022 में होने वाला है उसके समय में भी दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने जो है आह्वान किया है, जिसमें प्रदेश भर के करोड़ों मजदूर सड़कों पर उतरेंगे। 26 नवंबर को इसलिए हमने प्रदर्शन का निर्णय लिया है क्योंकि पिछले साल जो मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी वो 26 नवंबर को हुई थी, जिसमें लगभग 25 करोड़ मजदूर जो है सड़कों पर उतरे थे और उसी दिन किसान आंदोलन का आगाज़ हुआ था। किसान आंदोलन का भी एक साल पूरा जो है 26 नवंबर को होने वाला है, इसलिए CITU राज्य कमेटी ने ये आह्वान किया है मजदूरों से कि 26 नवंबर को प्रदेश के हर कोने में, हिमाचल प्रदेश की हर जगह ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर वो सड़कों पर उतरें, व्यापक रैलियां करें, धरने प्रदर्शन करें और केंद्र सरकार की जो मंशा है मजदूरों, किसानों और तमाम मेहनतकश जनता के खिलाफ, उस मंशा को वो रोकें और मजदूर और किसान के हक में नीति बनाने के लिए उसको बाध्य करें। हिमाचल खबरनामा के आज के संक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।